Yeah.
कहा था कि शबरी को नौधा भक्ति का उपदेश देते हैं भगवान। शबरी के लिए उस समय कोई फायदा नहीं था, क्यों कि अब शबरी को कुछ करना बाकी नहीं था, उसने सब कुछ कर लिया है। भगवान साक्षात सच्चिदानंद घन परब्रह्म एक मानव रूप में उसके सामने खड़े हैं, और अब कुछ ही क्षणों के बाद शबरी देह त्याग कर परलोक की यात्रा करने वाली है। अब उसे नौधा भक्ति कहने का कोई प्रयोजन ही बाकी नहीं रहता है, लेकिन हम सीधे उसका इशारा समझेंगे कि शबरी के माध्यम से भगवान इस जगत के मानव मात्र को संदेश देते हैं कि नौ प्रकार की भक्ति इस तरह होती है, उसकी शुरुआत ऐसे होती है, और ये सूत्र, ये पॉइंट उसमें नौ प्रकार के, जिन नौ प्रकार के पॉइंटों पर नौ प्रकार के जो सूत्र दिए गए उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे चार दिन से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संग किया जाए, संग करते करते इतनी गहराई में चले जाए हम लोग कि अपनी आत्मा का संग करने लग जाए, क्यों कि संग करते करते अपने आप में आ जाता है व्यक्ति, और अपने आप में आ जावे तो आत्मा का संग करने लगे, और आत्मेव आत्मनो बंधु,
आत्मा ही आत्मा का बंधु है। बहुत सुंदर बात। अपनी ही आत्मा का संग करने लग जावे। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना राह तुझे दिखलाता है। फिर मन की कहीं पर चलने वाले फिर पीछे पछताएगा, राम सुमिर के रहम करे ना फिर कैसे सुख पाएगा, कृष्ण सुमर के कर्म करे ना यूं ही जग से जाएगा। हम संग करते करते अपने आप में आ जावे और इतने अपने आप में आ जावे कि सूक्ष्म जो आवाज है हमारी भीतर की, रूहानी जो आवाज है जिसको अध्यात्म कहते हैं, वो हमको सुने आवे। और मैं कहूंगा कि भगवान किसी से कुछ भी छुपाते नहीं, क्योंकि हम सारी सृष्टि उसकी संतान है, वो हमसे क्या छुपाए। मुश्किल तो यह है कि वो हाथ बढ़ा रहा है लेकिन हम उसके बाहों में जाने के लिए तैयार ही। नरसिंह मेहता अपने सूत्रों में कहते हैं, गुजरात के परम भक्त हो गए नरसिंह मेहता, कि भगवान तो यहां तक भक्तों को विश्वास दिलाते कि मैं भक्तों को दास, भगत मारे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास। आपको भरोसा नहीं आएगा कि भगवान ऐसे किस तरह बोल दिए कि मैं भक्तों का दास। और नरसिंह जी की भान जी की शादी में वो माहिरा भरने के लिए भगवान जाते हैं, तो उसी तरह का इस शब्द को साकार करते हुए, बहुत अच्छी कथा है, अब मुझे कथा कहना नहीं है, कुछ मूल सूत्रों पर चर्चा कर। पर एक सेठ का तो रूप लिए राधा रुक्मणी को, दासियों के रूप लिए, बालदों में सामान साहित्य भरे, वो नैनी बाई के माहिरा भरने के लिए जा रहे, और भगवान ने माहिरा भर। लोगों को ने पूछा कि सेठ जी आप कहां से आए हो, तो भगवान ने कहा कि नरसिंह जी मारो सेठ पुराणों मारो अंधा तार, नैनी बाईरा भात भरण ने जाऊं नगर अंजार। मैं नरसिंह मेहता का नौकर हूं, दीवान जी हूं, और हमारे सेठ जी ने आदेश दिया था कि मैं वहां अमुक समुक समय पर जाने वाला हूं, उस तारीख को आप सब सामान भर के ले, इसलिए आया हूं। कहने का मेरा भाव है कि भगवान कहते हैं कि मैं तैयार हूं लेकिन तू ही तैयार नहीं, फिर भी मानो भगवान को दोष दे। ईश्वर के तरफ से कोई कमी नहीं है। ऐसी संगति होने लगे कि अपने आप में तृप्त होने लगे जीव, अपने आप में हजारों प्रश्न उठे, अपने आप में अपने प्रश्नों का उत्तर मिले, मैं ही प्रश्न और मैं ही उत्तर समाधान हो जीव। इसलिए संगत करना जरूरी है। प्रथम भगत की संतन के संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में रति हो। जब तक पूरे खुले भाव से हम भगवत कथा न सुने तब तक उसमें कोई लगाव नहीं होगा। सामने वाला एक सामने खड़ा है, दूसरे आदमी का परिचय दे रहा है कि ये वो आदमी है, ये आदमी है, ये इतने बड़े हैं, इन्होंने ये काम किया, वो काम किया, बहुत अच्छे काम करते हैं, और हमारा ध्यान ही नहीं है, हम दूसरी ओर देख रहे, वो बोले जा रहा है, तो हमारा उससे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि हमने सुना ही नहीं, उसकी महिमा हमने सुनी नहीं, और बिना महिमा सुने प्रीत हो नहीं सकती। इसलिए अनादि काल से सत्संग का महिमा है। रामचरितमानस में वर्णन आया है, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कहीं शंभु अधिकारी पाई। त्रेता युग में भगवान शिव जगत जननी माता भवानी को साथ में लेकर और अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जाते,
स्वयं ब्रह्मांड के निर्माण करता, उनको किसकी कथा सुननी है। लेकिन बताया जगत को कि मैं शिव, शिव माने शिव तत्व माने जगत का मूलभूत तत्व जिससे सारी सृष्टि का निर्माण। जिस तत्व पर भगवान श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे भली भांति जानता है, अन्यथा मुझे कोई जानता नहीं। तो मेरी कथा में रुचि हो, माता भवानी और भगवान शिव दोनों साथ साथ कथा सुनने के लिए जाते। ऋषि ने उनका आदर किया, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी, और मेरे यहां भगवान आए हैं। कभी मनुष्य ने यूं नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई उपदेश कर रहा है वो बहुत बड़ा है और हम उपदेश सुनने वाले बहुत छोटे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो परमार्थ है और परमार्थ सभी को बराबरी का दर्जा देता है। आप कहो कि बापूजी आप तो ऊपर बैठे हो तो आप बड़े, बिल्कुल नहीं, ये तो एक व्यवस्था है, सुविधा की, कोई बड़ा छोटा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि हुआ करते। बादल बरसे, बादल का ही महत्व नहीं है, अगर झेलने वाली धरती ना हो तो उसकी वर्षा का कोई मोल नहीं। भगवान शिव जी कुंभद ऋषि के पास साथ पास कथा सुनने के लिए गए हैं, और कथा सुनने के मुझे राम कथा सुनाओ, और जू ही गए माता भवानी के मन में खतरा पैदा हो गया, मन में दोष आ गया, माता पार्वती के मन में दोष आ गया कि ये क्या कथा सुनाएगा, भगवान भोलेनाथ को कथा सुनाएगा, यूं मन में दोष आ गया। पर इतने से दोष का परिणाम बहुत भुगतना पड़ा भवानी को, जगदम्बा आप जानते हैं कितना भोगना पड़ा। जो ही उसके मन में दोष आया, यहां तो एक तो भगवान शिव तो कथा सुनकर गदगदी हो रहे हैं और मां भवानी परेशान हो, तो ऋषि भगवान को कथा सुना। जब दोनों जाने लगे तो कितनी कितनी अड़चने आई, फिर एक प्रॉब्लम बीच में ही खड़ा हो गया कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता, राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज का दृश्य दिखाया उनको, दोनों के सामने सीते सीते करके घूम घूम रहे, वो दृश्य दिखाया, एक झांकी दिखाई, अकारण भगवान शिव की लीला थी सर। और भवानी के मन में ये आया कि ये क्या बात। भगवान शिव ने कहा कि जय सचिदानंद दिनेशा, भगवान ने राम जी को देखकर भगवान भोलेनाथ ने जय जयकार किया और सचिदानंद घन की उपाधि दी। माता भवानी परेशान हो गई कि अब क्या बोलना भोलेनाथ को, ये सचिदानंद है, उसकी पत्नी घूम गई तो वो भी पता नहीं उसे कि मेरी पत्नी कहां चली गई है, और ये सचिदानंद, ये कैसा सचिदानंद, इसी के नाम माया है कुछ और दिखे कुछ। पुना गए है कौन, भगवान शिव ने देखा कि इसके मन में फिर गड़बड़ी हो गई, किसके मन में, भवानी के मन में, देवी ये मेरे इष्ट देव है, मेरे रघुनाथ है, मेरे भगवान, माना नहीं है। फिर परीक्षा लेने के लिए गई, परीक्षा में फेल हो गई, बहुत बड़ी कथा है, मैं इसलिए कह रहा हूं वही भगवत कथा वही सत्संग एक के लिए कल्याणकारी हुआ और दूसरे के लिए अकल्याणकारी हुआ। क्यों, कि भावे पैसा देव, जैसी भाव पैसा देव। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा।
तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन कर ही कपट तजिगान। चौथी भक्ति कपट तज के, छल छिद्र छल तज के भगवान का गुणगान, कपट तज के। एक भाई ने चिट्ठी लिखी है, उसमें लिखा है कि बापू भक्ति के अनेक अनेक प्रकार होते हैं, वो हमको समझा। दास्य भक्ति होती है, वात्सल्य भक्ति होती है, कारुण्य भक्ति होती है, और विरह अनेक प्रकार। गुरु भाव की भक्ति, स्वामी भक्ति, अनेक प्रकार की भक्तियों का वर्णन है उसमें। विरह माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति है, वो भगवान को अपना पुत्र मानती है। हनुमान जी की दास्य भक्ति है, वो भगवान को अपना स्वामी मानते है। गोपियों की भक्ति अद्भुत है, भगवान को अपना पति मानती है, भगवान को अपना सर्वस्व मानती है। ये सारी भक्ति की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। विरह भक्ति जिसमें मीरा का जीवन देखे, गौरांग चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखे, हमारे संत तुकाराम महाराज भंडारा पहाड़ में जब चले गए, वो विरह भक्ति थी, ऊब गए। अनेक प्रकार की भक्तियां। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वैद प्रकाश। ये भी बड़ा मूल पॉइंट है। पंचम भक्ति वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, ऐसी भक्ति है ये पंचम भक्ति। चौथी भक्ति में गुरुदेव का पूजन हो गया, और गुरुदेव बीच में आए बिना पांचवी भक्ति का प्रसाद नहीं मिल सकता, ऐसी व्यवस्था। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवत नाम मंत्र। हम चार पांच लोग बैठकर जो चर्चा करते हैं उसको संस्कृत में यूं तो हम कहेंगे कि कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खास बात कर रहे हैं, और दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वो लोग जो है मंत्रणा कर रहे हैं। मंत्री नाम रखा हुआ है कुछ नेता लोगों का वहां पर, क्योंकि वो देश के हर संदर्भ में, हर कार्य के ऊपर, हर सुविधा हर व्यवस्था के ऊपर मंत्रणा करते हैं। वो खास खास लोग जो चुनकर ऊपर जाते हैं वो मंत्रणा करते हैं। क्या करते हैं? काम की बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वो होना चाहिए, ये संविधान बनना चाहिए, नियम होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ खास लोग मिलकर जो चर्चा करें जगत के हित के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, जिस विषय पर चर्चा करें उसको मंत्रणा कहते। मंत्रणा, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, और उस मंत्रणा का भी सार केवल दो ही लोग बात करें, पांच सात अलग, फिर दो ही लोग बात करें, बिल्कुल खास लोग दो, वो मंत्रणा के जो विचार है उसमें से भी सार निकालेंगे, और वो ऐसे सार सूत्र निकालेंगे, उसको मंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्र। मंत्र माने सारे शब्दों का सार, सारे चर्चाओं का सार तत्व। शब्द ब्रह्म जिसको कहा है, वो शब्द ब्रह्म इसीलिए है कि वो सार तत्व है, उसे मंत्र कहते हैं। तो आप कहोगे कि बापूजी मंत्र तो न्यारे न्यारे होते, अलग अलग प्रकार के मंत्र होते,
तो फिर सार कैसे हुआ? सार इसलिए हो गया, जो भी मंत्र है गुरु ने जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, नाम दे दिया है गुरु ने, ये नाम ये तेरा मंत्र है और इसी नाम के सहारे तो अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने सर्वेश्वर उस तत्व को प्राप्त हो जाएगा ये नाम के सहारे। वो नाम मंत्र, राम नाम के सहारे हो जावे पार, कृष्ण नाम के सहारे हो जावे पार, शिव नाम के सहारे हो जावे पार, अल्लाह या गॉड नाम से हो जावे पार, तो ये क्या है? एक ही होना चाहिए ना नाम तो, जब मंत्र है तो नहीं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग समय में अलग अलग प्रगट अवतार हुआ, अलग अलग व्यवस्थाएं हुई, संतों ने अपने अपने ढंग से जिसको आत्मसात किया वो संसार में कहना शुरू कर दिया। इसमें मेन काम की बात यह है कि जिस नाम के पीछे भगवत भाव हो वो नाम भगवान का, जिस काम के पीछे भगवत भाव हो वो काम भक्ति। जिस किसी व्यवस्था के पीछे भगवत भाव हो वो व्यवस्था सेवा। आपने अपने बेटे का नाम राम रख दिया, ए राम, राम कहां गया है, राम कहां गया है? आपके उस स्वर में, आपके उस बुलाने में भगवत भाव नहीं है, पुत्र भाव है, क्योंकि आपके बेटे का नाम है राम, भगवत भाव नहीं है, पुत्र भाव है, इसलिए वह नाम भगवान का नहीं हुआ। आपने आपके बेटे के नाम शिव रख दिया, विठल रख दिया, विठल 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 कहां चला? बहुत बदमाश है वो, मानता ही नहीं, कहीं चला जाता, हमारा विठल बहुत बिगड़ गया है, बताओ भगवान बिगड़ गए? विठल नाम रखा है आपने बेटे का, हमारा विठल बहुत बिगड़ गया, हमारा गोपाल जो है ना वो बहुत बदमाश हो गया, आजकल बीड़ी भी पीने लग गया, गुटके भी खाने लग गया, ना जाने कहां कहां घूमता, अब कोई साधु सुने कि गोपाल बीड़ी पीने लगा, गोपाल गुटके खाने लगा, अजीब आदमी वो, लेकिन नहीं नहीं वो नंद बाबा का गोपाल नहीं, मेरा गोपाल। उसके पीछे भगवत भाव नहीं है, उसके पीछे पुत्र भाव है, इसलिए भक्ति नहीं हुई, वो भगवान का नाम नहीं हुआ, वो आपके बेटे का नाम। नहीं तो हमारे दादा गुरु जी ने, गणेशानंद जी महाराज ने कथा सुनाई थी, हरिद्वार में हम शिविर ले रहे थे, शिविर में आते थे कुछ समय सत्संग सुनाने के लिए हमको गंगा किनारे, कथा कहने लगे, ये एक भक्त था और बड़ा भावुक था, किसी संत ने उसको कौन सा नाम दे दिया कि भाई तू जो है, नया नाम देता हूं कि तेरी भावना बड़ी अच्छी हो, गरुड़ ध्वज नाम का जप करना। एक संत ने एक भक्त को कौन सा नाम दे दिया, गरुड़ ध्वज नाम का जप करना, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज माने भगवान नारायण, भगवान विष्णु, गरुड़ ध्वज नाम का जप करना। अब बेचारा भोला आदमी था, गरुड़ ध्वज तो छूट गया और सरल पच जप नहीं, सरल पच, सरल पच, सरल पच, जबकि नाम दिया था गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज बोल गया, गड़बड़ी हो गई, सरण पच नाम जपने लगा, लेकिन सुरता लगाई है परमात्मा में, उसके पीछे जो भाव है वो ईश्वर भाव है, उसके पीछे जो भाव है वो भगवत भाव है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। ओ महाराज, चलते फिरते सोते जागते खाते पीते
उसका जाप बंद ही नहीं हो। सरड़पट 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 यूं नाम जप। एक दिन भगवान लेटे हैं, भगवान नारायण, लक्ष्मी जी पास में बैठी हुई है। एकदम से भगवान को हंसी आई, एकदम से हंसी आई, अचानक हंसे। और भगवान की हंसी माने माया, भगवान की हंसी माया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु अचानक हंसी आई, क्या हुआ बताओ। बोले देवी आप मानोगे मानोगी नहीं, इसलिए नहीं बताना थी। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा, कुछ खास बात है। आप कौन से आए, क्या हो गया, कहीं सृष्टि में कुछ हो गया आश्चर्य जनित। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, एक मेरे भगत ने एक नया ही नाम रखा है, बिल्कुल नया नाम, अभी ही पहली बार मार्केट में आया। बिल्कुल नया नाम रखा है मेरा, इसलिए हंसी आ गई कि हजारों नाम है मेरे, सहस्र नाम है, अनगिनत नाम है, फिर भी भक्तों की मर्जी है जो अच्छा लगे सो। बोले कौन सा नया नाम। बोले मेरा नाम रखा गया है सरड़पच। लक्ष्मी जी हंसने लगी कि सरड़पच इसका क्या मतलब। बोले मतलब हो जाने, मेरा भगत जाने उसका मतलब क्या, हमको मतलब से क्या लेना देना है, नाम रख दिया रख दे। अब छोटा बालक पैदा होता है, माँ बाप जो रख दे रख दे, बच्चा क्यों पूछे उलट कि मेरा नाम ऐसा क्यों, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। टिंकू पिंकू जिंकू मंकू टंकू सब कुछ भी रख दो, रख देते हैं ना, तो मतलब थोड़े पूछता है बालक, मर्जी उसकी। भगवान ने कहा कि मैं मतलब के तरफ ध्यान नहीं देता हूं, कुछ भी कारण हो लेकिन मेरा नाम रखा गया सरड़पच। लक्ष्मी जी ने जिद करना शुरू कर दिया कि वो नाम आपका ही है, इसकी क्या गारंटी, किसी का भी हो सकता है, आपने क्यों अपने माथे ले लिया कि मेरा नाम है। बोले नहीं देवी वो नाम मेरा ही। बोले नहीं हम नहीं मानेंगे, जब आपने लिस्ट में वो नाम है ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो फिर आपने कैसे मान लिया कि मेरा नाम। बोले ऐसी बात है, उसके पीछे मेरा भाव है, भगवत भाव, मुझे पुकार रहा है। लक्ष्मी जी ने नहीं माना कि नहीं सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मानती। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि चलो फिर दोनों जाएंगे, और दोनों मृत्यु लोक में आए, उस भगत के नजदीक आए और कहा है कि अब तू जा और पूछ उसको। भगवान बाजू में खड़े रह गए और अलग खड़े रह गए और गए हैं। लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी ने बीच में वो जप कर रहा था और काम कर रहा था खेत में भगत, और जप कर रहा था। लक्ष्मी जी बीच में गए, बोले ओ भाई किसका जाप कर रहे हो, किसका नाम ले रहे हो। तो बोलता नहीं क्योंकि उसका जप टूट जाए। फिर बीच में जाती, अरे भाई बता तो सही तू किसका नाम ले, किसका जाप कर रहा है बता, बड़ा भगत लगता है, बता बता किसका नाम ले रहा। तो बार बार एक बार दो बार तीन बार उसको आया गुस्सा, उसने बोला तेरे खत्म का नाम ले। मेरे भक्ति में भंग कर रही है न जाने कहां से आ गई, तुझे क्या लेना देना, किसका भी जाप करूं कुछ भी करूं, तेरे खत्म का नाम ले। तो महाराज लक्ष्मी जी हंसने लगी, गई बोले तो क्या हुआ। भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो बात तो बरोबर क्या कहा, बात तो बरोबर है, फिर भी गुस्से में बोल गया होगा, मुझे जरा सा अच्छा भरोसा नहीं आ रहा। लक्ष्मी जी ने कहा गुस्से में बोल गया, गुस्से में था वो, उसकी बहुत लगन लगी, फिर मैंने डिस्टर्ब किया बीच में। भगवान नारायण ने कहा कि फिर एक बार और चेक कर ले।
तुझे भरोसा नहीं है, जा एक बार और चेक कर। फिर वो अपने जप करने में लग गया, अपने खेती के काम में लग गया। फिर लक्ष्मी जी गई और बीच बीच में टोंकने लगी कि अरे भाई फिर ये तो बता कि वो है कहाँ। और तब तक भगवान ने कहा कि मैं एक अलग जगह गड्ढे में छुप जाता हूं, देख न ले मुझे, फिर तेरी शंखा नहीं निकलेगी। मैं ऐसी जगह छुपता हूं कि दिखूंगा नहीं, बस जाओ। फिर बीच में गई और कहती है ये तो बता कि वो है कहाँ। तूने ये तो बता दिया तेरे खसम का नाम है, पर मेरा खसम कहाँ है जानता है तू, तुझे मालूम है। फिर बोला नहीं, बोला नहीं। और फिर गुस्सा आया उसको, दो बार चार बार परेशान हो गई, परेशान हो गया। और फिर एकदम से बोलता है कि जा उधर वो खड्डे में, तेरा कसम खड्डे में पड़ा। लक्ष्मी जी ने आई है वापस, भगवान ने हंसने लगे कि आ गई बात पक्का। बोले बिल्कुल पक्का, वो सरपंच नाम जो वो आप ही का, एक नया नाम है लेकिन आपका ही। बड़ी अजीब बात थी, कहने के पीछे ये भाव है कि ईश्वर का नाम संसार के सारे नाम परमात्मा की ही है। लेकिन वो मंत्र जब ही बनेगा उसके पीछे भगवत भाव हो, भगवत बुद्धि हो, तभी मंत्र बनेगा। एक महिला घर में झाड़ू लगा रही है, एक महिला घर में झाड़ू लगा रही है, दूसरी महिला शहर के सड़कों पर झाड़ू लगा रही है। नेत्रानी शहर के सड़कों पर झाड़ू लगा रही है और एक तीसरी महिला मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रही है। तीनों झाड़ू ही लगा रही है, तीनों महिलाएं एक ही काम कर रही है, लेकिन तीनों के फल तीन प्रकार है। काम एक, उसका फल तीन। जो महिला घर में झाड़ू लगा रही है उसका न पाप है न पुण्य है, क्योंकि उसका घर है, उसका कर्तव्य है। उसको न पाप लगेगा न पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसी का घर है, उसका कर्तव्य है, उसकी आवश्यकता है। झाड़ू लगाएगी तब तो साफ सुथरे घर में बैठेगी। वो महिला झाड़ू लगा रही है वो उसका कर्तव्य है, उसको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। पड़ोसी कभी धन्यवाद नहीं देगा कि वाह वाह वो भाई झाड़ू लगा रही आज धन्यवाद, बिल्कुल नहीं। क्या बड़ी बात है, झाड़ू लगाना उसका कर्तव्य है। दूसरी महिला शहर के सड़क पर झाड़ू लगा रही है, उसका न पुण्य है न पाप है, उसकी मजदूरी है। क्या है, उसकी रोजी रोटी है, उसको मजदूरी मिलने वाली, वो काम कर रही है। दूसरी महिला जो झाड़ू लगा रही है वो जीविका चलाने के लिए काम कर रही है, उसको तनख्वाह मिलेगा, उसको पगार मिलेगी, उसको मजदूरी मिलेगी, उसका पाप पुण्य दोनों में मिलेगा। तीसरी महिला मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगा रही है, उसका न कर्तव्य है, उसकी न मजदूरी है, उसकी भक्ति है। क्या है, उसकी भक्ति है, उसका कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो पूरे गांव वालों का है, फिर वही झाड़ू क्यों लगा, उसका कर्तव्य नहीं है। अगर वो झाड़ू ना लगाए तो कोई नहीं कहेगा कि तू क्यों नहीं झाड़ू लगाने गए, मर्जी उसकी, उसके मन में आवे तो सेवा करने के लिए जावे, नहीं तो नहीं जावे। उसका कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि उसका घर थोड़ी है मंदिर, उसको कोई मजदूरी मिलने वाली नहीं है, किसी ने लगाया नहीं है, अपनी मर्जी से झाड़ू लगाने गए। एक घर में झाड़ू लगा रही है उसका कर्तव्य है, दूसरी सड़क पर झाड़ू लगा रही है उसकी मजदूरी है, और तीसरी महिला मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगा रही है उसकी भक्ति है।
एक और फल अनेक। एक काम झाड़ू ही लगाने का काम, स्टाइल एक है, साधन एक है, एक ही काम है झाड़ू सफाई करना। फल तीन प्रकार के है, इसलिए नाम अनेक है परमात्मा के, नाम अनेक है ब्रह्म के। जाता वारन पार मन माने सो लीजिए, ता से हो भव पार। अनेक नाम है ब्रह्म के, इसलिए गुरु के शरण में जीव जाता है, मनुष्य जाता है, व्यक्ति जाता है और कहता है कि मैं भी जानता हूं बहुत सारे नाम है, लेकिन आप मेरा नाम फिक्स कर दो, आपकी शयन के बिना मुझे अधूरा लगेगा कि ये नाम मेरा वो मानेगा या न मानेगा, इसलिए आपकी शयन चाहिए। अधिकारी के पास प्रूफ सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस सही करनी पड़ती, दूसरा कोई साधन नहीं। कि आप उस अधिकारी के पास से आए हो तो क्या प्रूफ, क्या कागजात, सही की हुई है, सिक्का मारा हुआ है, चले जाओ। ऐसे ही जिन्होंने नाम के ऊपर अधिकार पाया है, जिन्होंने नाम जप के अपने जीवन में परम शांति की अनुभूति की है, जिन्होंने नाम के सहारे परमात्मा के तत्व का अनुभव किया है, जिन्होंने नाम के सहारे जीवन के मूल रहस्य को जाना है, जो सदा के लिए उसे अब जग में कुछ भी पाना बात नहीं है, मस्त है झोपड़ी में रहे चाहे महलों में रहे, मस्त है वो अपनी मस्ती में। नाम अद्भुत चीज, नाम पंचम भजन तो वैद प्रकाशा मंत्र जात्म दृढ़ विश्वासा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। नाम तो वो मंत्र जो गुरुदेव के सामने, जो महापुरुष के सानिध्य में मुख से निकल जावे कि ये मंत्र जपा जाए, जा इससे ही तू चिदानंद घन ब्रह्म अनामी परमात्मा, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं रूप नहीं, उस परमात्मा को ही इससे तू आत्मसात करेगा। ये नाम ले जा, वो मंत्र बन गया। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वही मंत्र माना जाए। एक पद ही लोक तड़पोगे क्या,
मेरे दिमाग से नाम उतर गया है तो मैं बुला लेता हूँ, माइक में अनाउंस करके बुला लेता भीड़ में, लेकिन नाम निकल गया दिमाग से, मैं नाम नहीं जानता, नाम भूल गया, खड़े कैसे इतने भीड़ में, पकड़े कैसे। इसलिए ब्रह्मांड के संसार में ईश्वर को पकड़ने का कोई उपाय नहीं है, नाम क्या, नाम पदार्थ पाया रे बिना
पति की नारी के तरह नुगरा, क्योंकि उसके जीवन में सिद्धांत नहीं है, उसके जीवन में मार्ग नहीं है, उसके लक्ष्य का केंद्र नहीं है, उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वो रास्ते से चलता है तो बहता बहता चलेगा, क्योंकि उसका कोई गंतव्य स्थान नहीं है, मुझे वहां जाना है। अगर उसका केंद्र है, उसका गंतव्य स्थान फिक्स किया हुआ है कि यहां से निकल के वहां जाना है, तो सीधे सीधे चलेगा और वहां पहुंचेगा। अगर उसका कहीं जाना ही नहीं है तो आप बोलोगे कि कहां घूम रहे हो, बोले ऐसे ही घूम रहा हूं, लेकिन कहां यूं ही भटक रहा हूं, पर कौन सी गली से किधर भी जिधर भीड़ हो जाती उधर चला जाता हूं। बस नुगरे लोगों का ऐसा जीवन है, इसलिए हमारी संस्कृति में अनाधिकार से इतिहास उठा कर देखो, राजा जनक हो या राजा दशरथ हो, राजा हरिश्चंद्र हो, राजा भरतरी हो, राजा गोपीचंद हो, कोई भी हो, जिनके गुरु हुआ करते थे और जरा सी भी समस्या आवे तो अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर वो अपना समस्या का समाधान करते, गुरु हुआ करते, नुगरे नहीं हुआ करते थे, गुरु। बंधुओं, बर्म की कोट हटाई मेरे सतगुरु, दिल का भरम मिटाया, नाम पदार्थ सतगुरु दीना तो त्रिकुटी ध्यान लगाया। नाम पदार्थ दिया सतगुरु ने, त्रिकुटी में ध्यान लगाया, नाम को लेकर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ रोज भगवान का ध्यान करो जब तक समाधान न हो। ध्यान रोज बैठो, जो कई महापुरुषों से जुड़े हैं, जो किसी मिशन से जुड़े हैं, जो किसी सिद्धांत से जुड़े हैं, उनको लाख लाख धन्यवाद है, लेकिन जो कहीं के नहीं है, न कहीं जुड़े हैं, न कहीं उनका कोई दीन है, न धर्म है, न कुछ है, उनको मैं कहूंगा कि आ जाओ और सिद्धांत ले लो, चल पड़ो रस्ते से, बिना लक्ष्य के नहीं रहना, ये तो पूरा जीवन चला जाएगा। और बात तो ये है कि जीवन यहां चला गया भटकते भटकते, इसके बाद मरने के बाद भी यूं ही भटके, क्योंकि उसने मौका मिला, उसको मनुष्य जन्म कोटि कोटि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, न लगे तारा मानव देहाचा। हमारे संतों ने कहा, संत गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन, किसी को रिझाने के लिए भक्ति नहीं करना, किसी को राजी करने के लिए भक्ति नहीं करना, किसी को लूटने के लिए भक्ति नहीं करना, तिलक छापा लगाकर एक शान मारने के लिए भक्ति नहीं करना, भक्ति अपने आत्मा के लिए करना, भक्ति अपने आत्म उद्धार के लिए करना, भक्ति अपनी निजी चीज है, भक्ति अपनी मूल संपदा है। गोस्वामी जी ने कहा, बाबा जी ने रामायण में लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण, भक्ति स्वतंत्र सकल गुणकारी, दिनो सच संग कि भक्ति जैसा धन नहीं, भक्ति जैसा धन नहीं। आप बाहर जो भी इकट्ठा करोगे, जो भी जमाओगे, सब छूटने वाला है,
शरीर भी छूटने वाला है, लेकिन भक्ति एक संस्कार बनके आत्मा के साथ जाएगी। मेरी वाणी ध्यान में रखना, मैं अंदर जा रहा हूं। बंगाल के गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, हरे राम हरे कृष्ण महान प्रवर्तक हो गए। चैतन्य महाप्रभु उनके नगर में जब वो प्रभात फेरी निकालते सुबह सुबह, जैसे हमारे बापूजी निकाला करते, ढोल मृदंग जान मजरे और सारे बाजे गाजे के साथ सुबह सुबह भोर भोर में प्रभात फेरी निकालते, भोरे राम भोरे राम बंगाली यही मंत्र को अपन हरे हरे बोलते हो, होरे होरे बोलते, राम राम होरे होरे, होरे कृष्ण होरे, कृष्ण कृष्ण होरे होरे, होरे राम होरे राम, राम राम होरे होरे, होरे कृष्ण होरे, कृष्ण कृष्ण होरे संकट हो ही सुखारी, वही नाम हम लेते हैं रात दिन, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता, उदाहरण दे रहा हूं। और वही नाम द्रौपदी ने लिया था, द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी, खींच रहा है चीर दुशासन, लाज नहीं को आवे, अब ना
सकते हैं, लेकिन भगवान कहाँ थे? किसी संत ने कहा कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर द्रौपदी जैसा कोई बुलाते हम बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन शबरी जैसे कोई हम अक्षेप नहीं ले सकते, कम हम ही पड़े उसकी कोई कमी। चैतन्य महाप्रभु अपनी दिंडी लेकर रोज मस्ती में, हरिनाम की मस्ती में, और हमारे संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ने भावे बिन देव न कले निसंदेह गुरु बिन अनुभव कैसा, भावे बिन देव न कले निसंदेह, महाराज ने कहा कोई संदेह ही नहीं, अगर आपके पास भाव रूपी धन नहीं है आपको भगवान समझने वाला, बात सूक्ष्म है, हृदय में भाव होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अध्यात्म में कुछ नहीं मिलेगा, बुद्धि तर्क वाली हो जाएगी और तर्क वाली बुद्धि किसी सिद्धांत पर टिकेगी नहीं, वंचित रह जाओगे आप सब। गौरांग महाप्रभु के मंडल में एक मुस्लिम समाज का युवक है, गौरांग महाप्रभु के कीर्तन मंडल में शिष्य मंडली में एक मुस्लिम समाज का युवक है, और मुस्लिम समाज का युवक हरिनाम में मस्त होता, वाह, भगवान के लिए कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई कृष्ण कोच नहीं, मानव मात्र उसकी संतान है, हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे ना कोई, जो उसे भजे वो उसका, ये तो हम कमजोर लोगों का है, परमात्मा के जगत में नहीं। मुस्लिम युवक एक तरुण हाथ में मजीरा लेकर होरे राम होरे राम 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 होरे 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 कृष्ण कृष्ण होरे होरे राम होरे राम राम होरे होरे राम होरे। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है, प्रेम अवतार, सारी मंडली में युवक है, गांव के मुन्ना मौलियों मौलवियों ने विरोध करना शुरू किया, ये काफी है, उनके ऊंट में जाकर हरे राम कीर्तन करता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मोहम्मद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने काफिर जरूर कहा, उनको काफिर कहा जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको काफिर कहा, ऐसा काफिर नहीं कहा है कि कोई भगवान को दूसरे रीत से माने, कोई भगवान को दूसरे नाम से माने तो वो काफिर हो गए, बहुत कमजोरी है लोगों की कि अपने वसूलों को भी समझ नहीं पाए। वही शब्द हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि जो परमात्मा को न माने वो काफिर है, भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण नहीं है वो आतताई है, क्या कहा है, हे अर्जुन इन आतताइयों को मार, किसको, कौरव, ये जो कौरव है भले ही तेरे परिवार के है लेकिन ये अतताई है, ये पापी है, इनको मार, ये कई बात। इसका मतलब भगवान ने ये नहीं कहा कि जो राम नाम न लेवे कृष्ण नाम न लेवे जो अल्लाह नाम लेवे उनको मारो, भगवान ने ये नहीं कहा। तो फिर हजरत मोहम्मद साहब ने भी ये नहीं कहा
कि भगवान को जो अल्लाह शब्द से न पुकारे और राम शब्द से पुकारे वो काफी है। ऐसा नहीं है, समझो सिद्धांतों को, हमारे महापुरुषों के सिद्धांत को समझो। आज वो होते तो अच्छी ढंग से समझा सकते। इसलिए एक युवक है, कौन, कीर्तन में, मेरे भी साधक परिवार में मुस्लिम युवक मेरे भक्त, महिलाएं भी भक्त, भगवान को भजने का खुला अधिकार है सबको, चाहे किसी नाम से भजे, किसी नाम से। एक महिला मेरी भक्त है, मैंने कहा कि बेटा तू कैसा नाम लेती है, वो बाप के भाव से श्रद्धा रखता कि बापूजी मेरे पिता हैं। महिला है 40-45 उम्र की, दूसरे गांव की। एक बार दर्शन भाई मैंने कहा तू कैसा नाम जप करती, तो हंसते हंसते क्या कहती, बापू मैं क्या करती हूँ, हरे राम करती हूँ, और मेरे जात वाले आ गए कि अल्लाह अल्लाह सच्चिदानंद, ऐसा कहा मैंने हंसते हुए कहा कि तू कैसे जप कर, तू कैसा भगवान का नाम लो। मैंने तो उसको माला भर दे दी, तुझे जो अच्छा लगे वो जप, तुझे अल्लाह नाम अच्छा लगे तो बिल्कुल जप, उसी में भगवान आएगा, तुझे जो अच्छा लगे। इसलिए पूछा कि तू कैसे जप कर, उसने कहा कि बापू मैं हरे राम करती और मेरे साथ वाले आ गए तो मैं अल्लाह अल्लाह करती। क्यों बापू, दोनों एक है ना? बोला बिल्कुल दोनों, बहादुर लड़की है तुम्हें। तो नहीं, परमात्मा को जाना, बहादुर लड़की क्यों कहा। उस युवक का नाम गौरांग महाप्रभु ने हरिदास रख दिया। क्या रख दिया है? हरिदास माने भगवान का नाम, भगवान का हरिदास नाम रख दिया है उस युवक का। अब हरिदास हरि कीर्तन में मस्त होने लगा। गांव के लोगों ने विरोध दर्शाया कि क्यों नाम लेता है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, लग गया नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये सब उसी के नाम है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन वो मानता नहीं है, लोग बार बार उसको भक्ति से दूर करने की कोशिश करते हैं। एक दिन ऐसा समय आया कि हरिदास को घेरा डालकर पकड़ा गया और उसके सारे कपड़े उतार कर केवल एक कॉपी लंगोटी के ऊपर गांव में उसकी रैली निकाली गई और चाबुकों से उस पर मार चलाया। ये इतिहास की कथा है, तू कुछ कुछ ऐसी दंत कथा नहीं। मार चलाया गया उसके ऊपर, रैली निकाली, उसने कहा मार डालो मुझे लेकिन मैं भगवत नाम तो लूंगा। और महाराज जी सब होते रहा। एक दिन हरिदास उदास होकर एक दूर गांव से दूर एक कुटी बना ली, एक टपरिया बना ली छोटी सी। उस टपरी में, उस कुटिया में हरिदास रहते। उनने संकल्प लिया कि मैं 24 घंटे में 1,00,000 नाम का जप करूंगा, रोज मालिक के 1,00,000 नाम लूंगा, ईश्वर के परमात्मा के 1,00,000 नाम लूंगा रोज 1,00,000 नाम। तो महाराज उसको घड़ी भर भी टाइम नहीं मिला, न खाने का समय मिले, न पीने का समय, न सोने का समय, लगा रहता है नाम 1,00,000 24 घंटे में करना चाहिए पूरा। ऐसा नाम लेते रहा। गांव के लोगों ने षड्यंत्र रचा कि ऐसा किया जाए, एक नाचने वाली नर्तकी, उसको कुछ लालच देके हरिदास के पास भेजा जाए, वो युवक है, और उसकी तपस्या भंग कर। वो महिला गई है लालच में आकर,
हरिदास के कुटिया के पास बैठ गई कि जब उठेगा मैं उससे बात करूंगी, मैं उस पर अपनी माया डालूंगी, उसकी भक्ति को नष्ट करूंगी। इस तरह का मन में लेकर वो महिला बैठी है। हरिदास को तो वहां भक्ति से टाइम नहीं मिल रहा है और उसको तो जप में इतने मंत्र करना ही है। मुश्किल से कभी पिशाब के लिए निकलते हैं उन महिला बीच में कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। हरिदास इशारा करते कि रुक जाओ थोड़ा और जाके बैठ। एक दिन हो गया, सारा दिन डूब गया, वापस आ गई, दूसरे दिन जाकर बैठी, फिर थोड़ा सा पिशाब के लिए बाहर आते, कहती कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोले रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम नहीं, बोलूंगा बाद में तेरे। फिर चले गए, तीसरा दिन होगा, फिर महिला आकर बैठ गई सुबह से, हरिदास पिशाब के लिए, बोले कृपया मैं कुछ बात करना चाहता हूं, मैं तीन दिन से आ रही हूं। और तीसरे दिन उसकी बुद्धि बदल गई, हरिदास के भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि बदल गई और वो महिला रो रो कर अपने पाप का प्रायश्चित करने लगी। हे भगवान, हे विधाता, हे मालिक, मुझे माफ कर देना। एक व्यक्ति जो तेरे नाम से उसे फुर्सत नहीं है और मैं दूसरी पापी, मैं उसके पवित्र भगवान के संबंध को तोड़ने की साजिश कर रहा। एक थोड़ी सी लोगों की लालच में आके धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे माफ कर देना प्रभु। जीवन बदल गया। और तीसरे दिन जब उसने हरिदास से कहा कि माफ करो, मैं कुछ बोलना चाहता, थोड़ा सा रुक गए, चरणों में गिर गई, उसने कहा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हरिदास ने कहा कि तुमने क्या गुनाह किया, मैं क्षमा करूं, क्या गलती हो गई? उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मैं तीन दिन से आ रही हूं तुम्हारे दर्शन के लिए नहीं, तुम्हारी साधना को भंग करने के लिए आ रही हूं, लेकिन आज तुम्हारी साधना का प्रभाव मेरे चित्त को सम्मोहित कर दिया है, मेरा मन सात्विक हो गया है, आज से मैं आपकी शिष्य बन गई हूं, आज से मैं आपकी भक्त बन गई हूं। और वो महिला भक्त बन गई। हरिदास प्रसन्न होकर अपनी जपने की माला उसके गले में रखा, ये ले, तू इससे साधना करना जा। इसलिए मैं ये कथा कह रहा हूं कि नाम इस तरह लिया जावे, भगवान का नाम इस तरह लिया जावे, जप ही नाम जन आरस भारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी। परम अपना पद इतनी महीम है, इतनी बारीक है कि वो
जीव विज्ञान के ज्ञाता डॉक्टरों को दिखने वाली नहीं, वो हमारे रीढ़ की हड्डियों में से मस्तिष्क से लगाकर रीढ़ की हड्डियों में से मूलाधार चक्र तक, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक उसका काम रहता है और उसी में हमारी जीवनी शक्ति निवास करती है और उसी शक्ति का नाम योग शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, भक्ति स्वरूपा शक्ति, जो भी वो शक्ति उसमें वास करती है। प्रत्यक्ष अनुभव होगा आप साधना करो तो, केवल कहानी नहीं। सुषुम्ना ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा पिंगला को पद में आया है वाणी में, ईड़ा पिंगला नाड़ी लगाते सर में, क्या मतलब, क्यों लगाते, शोक के लिए लगाते नहीं, वहां पर हमारा प्रीतम निवास, त्रिकिटी त्रिवेणी संगम, त्रिकुटी में हमारा चिदानंद घन परमात्मा, हमारा आत्म देवता विशेष रूप से अज्ञा चक्र में निवास करता है, इसलिए हम उसका पूजन करते हैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किसका पूजन करते हैं, उसका पूजन करते देह देवा के मंदिर, देह देवा के Bye.
यहाँ का पहाड़ा का हो जाता रावण। भगवान का मंदिर ये शरीर, हम तिलक लगाते भाल के ऊपर भगवान की पूजा करते। किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा। तो भगवान की पूजा करना गलत बात है? बहुत अच्छी बात। तिलक लगाना गलत बात है? बहुत अच्छी बात। क्योंकि एक वाणी में कहा, सहेलिए हरि भजवारे काज बनायो मोहन मंदिरियो, सहेलिए हरि भजवारे काज बनायो मोहन मंदिरियो, सहेलिए हाथ पांव और रूप मनोहर ये किन ने घड़ियो, कारागीर की देखो चतुराई बिना टांच घड़ियो। ये सिया हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से सिया हुआ है। कारागीर की चतुराई तो देखो, कहीं सिलाई भी नहीं दिखाई दे, लेकिन सिया है। सहेलिए इन बंगले में नौ दरवाजे दसवों कुलूप जगो, नौ दरवाजे ये इंद्रिया, नौ इंद्रिया, आंख कान नाक ग्राण इंद्रिय जन इंद्रिय, नौ इंद्रिया नौ द्वार, नव द्वारे पूरे देही। सहेलिए इन बंगले में नौ दरवाजे दसवों कुलूप जगो, दसवां द्वार आपकी भ्रुकुटी के ऊपर, दसवां द्वार आपकी भ्रुकुटी के ऊपर तालू में छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक, उसके तालू में खिड़की है, कभी हाथ लगा कर देखा होगा, पक्की होने के बाद पता नहीं चलता, लेकिन छोटा सा बालक है ना, बिल्कुल चमड़ी है, वहां खिड़की है, उसको दसवां द्वार। इन बंगला में नौ दरवाजे दसवों कुलूप जड़ियो, दसवें द्वार में खोलन चाहे गुरु चरण पड़ियो, सहेलिए हरि भजवारे नहीं है। इसका आधार दूसरा है, अगर वो आधार टूट जाए फिर खड़ा करके देखो दम से गिर जाए, वो आधार टूट जावे और फिर ये काया को, ये शरीर रूपी बंगले को खड़ा करके देखो दम से गिर जावे लकड़ी की तरह। कौन सा खंबा है? श्वासों का खंबा। कौन सा खंबा है? प्राण। तो ये प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण है, परंतु प्राण उसको कहा है ये प्राण। सहेलिए इन बंगले में बलेल खंबा जिनको का धरियो, कारागीर की देखो चतुराई अधर पदर धरियो। कैसा रखा हुआ है वो भी कोई ऐसा ठोस नहीं रखा हुआ, अधर पदर है। इसलिए संतों ने कहा, श्वास श्वास में नाम जप मिर्ता श्वास मत खोल, श्वास श्वास में नाम जप मिर्ता मत खोल, ना जाने इस श्वास
फिर आना होगा या न हो, कोई जरूरी नहीं है कि बाहर गया है तो भीतर आएगा, कभी बाहर भी रह सकते। कारागिर की देखो चतुराई अदर अदर, हेलिए धन सुख राम बतावे साधा कोई भजन कहियो। सतगुरु जी के चरण जाके, सतगुरु जी कौन सा भाषा और कौन सी शैली है विचित्र है, ये राजस्थानी शैली बानी, अपन जो पद कहते हैं अभंग कहते हैं वो अभंग मराठी में, ऐसे ये उस भाषा के अभंग बहुत मार्मिक। सतगुरु जी के शरणे जाके यम से ना डरियो, यम कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्यों कि यम बिगाड़ने के पहले ही वो अपने जीवन को धन्य कर लेगा, यम उसका क्या बिगाड़ेगा, यम के हाथ लगने वाला नहीं। अगर सच्चे सतगुरु का लाल हो गया तो यम के हाथ लगने वाला नहीं, यम के पहले ही वो ध्यान लगा के बैठे, यम के पहले उड़ जाते, यम लटकता रहे, वो चला गया अपने परमात्मा में, ऐसी बात नहीं, चुक गया तो यमा का पावना प्राणी, अगर चुक गया तो फिर तैयारी में थे कि चल सिखा जाएगा। कबीर साहब ने कहा एक पद में, को ना ठगवा, भागवत कथा सुनी सात दिन आपने, सप्तम पांच दिन सुना, इसने राजा परीक्षित ने सात दिन, भागवतकार कहते हैं कि दिन सात ही है आठवां दिन ही नहीं, परीक्षित को कहा गया था कि सातवें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर हमको कोई पूछे तो हम भी कहेंगे कि सातवें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, बस सात के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जब भी मरेंगे इन सात में कोई ना कोई नंबर आएगा, सोमवार आ जावे मंगलवार आ जावे बुधवार, बहुत परिचित है वो हमारे, लेकिन वो आए नहीं नंबर। को न ठगवा नगरिया लूटल गो, को न ठगवा नगरिया लूटल गो नगरवा, सभी कौन ठगने आएगा कौन लूटेगा, इसे नगरिया लूटल कोई लूटने वाला है,
जस जस विधिया
जीवन मरण जस तप जस हे भरत सुनो, हानि लाभ, हानि लाभ अगर मनुष्य के हाथ में होता तो पूरी दुनिया में लोग हानि वाला काम करती हैं, सब लाभ ही लाभ, फिर तो कोई चिंता ही नहीं। लेकिन ज्योतिषियों के पास भी हाथ बताने पर भी काम गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कर्म की गति बहुत पावरफुल है। एक ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि सगरा मन तुम चावल ग्रह आ ले, 5 किलो मूंगाची दाल, 5 किलो तांदूल, 5 किलो उड़ीद की दाल, शनि निकालने को उड़ीद भी लगता है, ऐसे 5-5 किलो 5 धान्य आने, 5 नार, 1 किलो तू, शनि निकले ना निकले लेकिन इसकी तो निकली गई, हो गया लंबा 500 रुपए में, 1000 रुपए में हो गया लंबा, अच्छी बात है। लेकिन जो प्रारब्ध है, जो कर्म है, उसके सिद्धांत को भोगना पड़ेगा। मैं कर्म की भी आपको ये दे दूं जानकारी, कर्म गति ताली नहीं चले, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, उस काल में ऐसा शास्त्र का प्रमाण है, वशिष्ठ ऋषि ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, पूरे पूरे ज्ञाता ज्योतिष शास्त्र से, कौन वशिष्ठ, उनसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र का विद्वान उस काल में नहीं था। उन्होंने सारे मुहूर्त लग्न तिथि देखा था, इसलिए राम राज्य करने के लिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे सीता हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे, कर्म गति तारी नाही करे, कर्म गति तारी नाही करे। वशिष्ठ बाबा ने देखा था, राजन बहुत अच्छा मुहूर्त है, जल्दी सप्तदीप 7 समुद्रों का जल लेके आओ और हम हमारे रघुनंदन को राज्य तिलक करेंगे, बहुत अच्छा मुहूर्त है, लाओ लाओ। ऐसा देखा, बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे, फिर भी क्या हुआ, जो होना था वही हुआ, सीता हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे, कर्म गति। इसलिए वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे भरत, भावी प्रबल है, नियति का सिद्धांत अटल है, वो कोई बदल नहीं सकता। हानि लाभ जीवन मृत्यु, हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं। इतना ही बड़ा वैज्ञानिक बिचारे बरसों मेहनत करके किसी यंत्र का शोध, किसी उसका निर्माण करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी ऊपर छोड़ने के लिए उपग्रह वगैरह वगैरह जो भी तैयार करते हैं, उसका परीक्षण करते तब तक भरोसा नहीं रहता, वो भी आकाश की ओर देखते, पता नहीं खुश हो जाता है कि सचमुच सिद्ध हो जाता है, खुश भी हो सकता है, देखते हैं, जब परीक्षण हो जाए तो ताली बजाती कि जीत गए, नहीं तो लटक जाते। इसका मतलब इतनी गारंटी से इतनी मेहनत की है, फिर भी भरोसा नहीं कि हो ही नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हानि होगा या लाभ होगा, जीवन कहां तक है और मरण कब है, जीवन मरण, यश और अपयश, अगर यश अपयश का पता चलता तो बेचारे देश में लोग चुनाव लड़कर परेशान ही नहीं होते,
पता रहता है मैं हारने वाला हूं, फिर क्यों इज्जत खराब करूं और पैसे खराब करूं। अब यश मिलने वाला है तो ठीक ठाक है, गुपचाप बैठो। यश मिलने वाला है तो सीधे खड़े रह जाते जाकर कि मैं तो जीतने ही वाला हूं, कोई बात नहीं, मैं भी क्यों पैसे बांटूं लोगों को, जब मैं जीतने ही वाला हूं तो ऐसे भ्रष्टाचार की क्या जरूरत। यूं सोचे ना तो हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश मनुष्य के हाथ में नहीं है, केवल कर्म करना मनुष्य के हाथ में। प्रारब्ध भोगो और पुरुषार्थ करो, जो प्रारब्ध है उसको भोगो और नया पुरुषार्थ करो, लेकिन होगा क्या ये उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। तो हम बात कर रहे थे इसकी, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ भगवत मंत्र का जाप किया जाए। सतगुरु साहिब आया ठगवा नगरिया का रह गया बीच में, जितनी शक्ति बढ़े उतने राज्यों को जीतना, उतने देशों को जीतना और अपने सीमा में मिला, यूं बावला हो गया, सारे संसार को जीत लिया, चक्रवर्ती हो गया। और चक्रवर्ती हुआ लेकिन जिंदगी भर चैन से नहीं बैठा, एक देश जीता तो दूसरे पर सवारी कर, दूसरा जीता तो तीसरे पर सवारी कर, जीवन भर चैन से नहीं बैठा, बेचैन ही सम्राट बन गया पूरी दुनिया का, लेकिन शांति नहीं मिली। अंत में मरने के कुछ समय पहले उसने सोचा कि मैं दुनिया वालों को कैसे समझाऊं कि मेरे जैसा पागल तुम मत करना। हमारे महापुरुष कहते बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े किया, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए। सिकंदर ने सोचा कि मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास टाइम नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन कुछ तो मिसाल देनी चाहिए दुनिया वालों को, कुछ तो इशारा देना चाहिए कि मेरे जैसा पागलपन मत करना, हाय 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 रात दिन मत करना, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और यूं ही चले जाओगे। सोचा कि अब बोलने के लिए समय नहीं है, अपने अनुयायियों को धीरे से कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी इच्छा है कि डोले के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना, समझने वाले समझ लें। और हुआ ऐसे ही,
कि जब डोला सजा तो कहते कि लोगों ने दोनों हाथ बाहर निकाल दिए, समझने वालों ने इशारे ले लिए कि ठीक है, ठीक कह रहा है। तो पूरी जिंदगी हाय हाय करके बिताई मैंने, कभी बैठकर सुख नहीं लिया, कभी चैन से नहीं लिया, बस रुलाया रुलाया रुलाया, हंसाने का मौका ही नहीं मिला मुझे। और अब मैं खाली हाथ जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। गाते हो ना आप लोग, गाऊ बोलू, कोई आक्षेप तो नहीं लगाओ? बहुत अच्छा लगा, कभी बचपन में सुना, ये लोगों को याद है वो गीत, मुझे थोड़ा सा याद। चलता सूरज धीरे धीरे चलता ही, गाओगे? धरती चल रही है, आपका जीवन चल रहा है, ये चांद सितारे सूरज चल रहे हैं, कभी सुबह थी अब दोपहर हो गई, अब शाम हो जाएगी, कभी बालक थे अब जवान हो गए, अब बूढ़े हो जाओ, एक क्षण भी स्थिर नहीं, चलायमान है। चलता सूरज धीरे धीरे आई जवानी पर इतराने वाले आखिर को पछताएगा, दो दिन ताकत आ जाती है, किसी प्रकार का बल मिल जाता है, लेकिन चार प्रकार के बल बताए हैं, अपबल कपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, अपना बल, पहलवान को अपना बल होता है, मार दे इसको मेरा पहलवान को अपना बल, अपबल तपबल और हिरण्यकश्यपु को रावण को तपस्या का बल, तपस्या की थी उन्होंने, लगा दो मार डालो सभी, अपबल तपबल और बाहुबल, और दोनों बल नहीं भी रहे, जिसके बहुत बड़ा परिवार है, दुर्योधन को बाहुबल था, 10-15 भाई है, एक मर भी गए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन तेरे को तो देख ही नहीं, बहुत बड़ा परिवार, और ये तो मरकट है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन उसको बाहुबल है, उसको परिवार का बल है, संबंधी और मित्रों का बल है, अप बल तप बल और बाहु बल, और तीनों बल नहीं रहे, और माल कभी रहा माल, तो टूटा टाटा आदमी भी टोपी डाल के टाइट हवा में उड़े, हम बोलेंगे कि क्यों अकड़ रहा है, हम पूछेंगे कि क्यों अकड़ रहा है कौन, बापू वो इसलिए अकड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, माल को आधा शहर है, अच्छा इसलिए अकड़ रहा है,
धन्यवाद। माल का बल है, शरीर में दम नहीं है, भाई भतीजे भी नहीं है, कोई तपस्या भी नहीं की है, कोई पहलवानी भी नहीं की है, लेकिन माल। सूरदास जी ने कहा कि बेकार है चारों बल, अगर पांचवा बल ना मिले तो चारों बेकार। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है काम, सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरिना। अगर भगवत नाम का बल ना हो, अगर भगवत भक्ति का बल ना हो तो चारों बल बेकार। चलता सूरज धीरे धीरे चलाई, चलता सूरज धीरे धीरे चलाई, जल जाएगा जल जाएगा जल जाएगा जल जाएगा। Thank you.
नहीं जलती आज उसके कुर्बत पर यूं कहा ये चिराग एक दिया भी नहीं जलता उसको। एक बात है, उदाहरण है, ये हाल हम सबके होने वाले हैं। कल जो करके करती थी अब निशान तो कटती क्षमा तक नहीं जलती आज उसके तुरबत जसवंत सिंह और वहां पर एक संत हो गई महिला फूलीबाई नाम की। महाराज जसवंत सिंह ने माताजी को फूलीबाई को आमंत्रण दिया कि आप मेरे महल में भी चले और मेरी रानियों को भी कुछ दो शब्द ज्ञान दे। तो बोले उनके साथ माताजी फूलीबाई गई है और अंदर रनिवास में महल में रानियां जो थी वो लड़ रही थी। किसके लिए? दागीने के लिए।
मेरे गहने कम हो गए, मेरे गहने कम हो गए, लड़ गई और फूली बाई गई। पर एकदम से उसने बोला, संत तो संत बहुत ही बुद्धि योगम ददाम में हम परमात्मा बुद्धि योग देता है अपने भक्तों। फूली बाई अंदर गई है पर लड़ते हुए वो उन्होंने जानियों को लड़ते हुए देखा और बहुत सुंदर बात कही उसकी मारवाड़ी भाषा में। गेणो गाठो तनरी शोभा काया का शोभानो, गेणो गाठो तनरी शोभा काया का शोभानो, फूली कहे थे राम भजो लड़ो क्यों हो रांडो, फूली कहे थे राम भजो लड़ो क्यों हो रांडो। फूली ने कहा क्यों लड़ रही, गेणो गाठो तनरी शोभा काया का शोभानो, फूली कहे थे राम भजो लड़ो क्यों हो रहा। इसलिए विसर्जन में सार यही है कि नाना प्रकार से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास भजन भगवान। किसी ने कहा कि बापू चिट्ठी में लिखा है कि माताओं को अच्छी तरह समझे ऐसा एकादा पद सुना गया, क्यों कहा जुम्बर लगा लगा कर बैठिए। जुम्बर बड़ा भाव है, जुम्बर आता के सुन ले वाली बात में बात ही कम लोग। वो भी एक बड़ी बात बन जा रही धन धान्य
तो हमारे अहमदाबाद के दिलराज भाई आए थे, उन्होंने कहा मैं स्टोरी लिख रहा हूँ बापू। तो उन्होंने कहा कि आदमियों को भी ढोल लेते समय आ गए, कोई कहे कि मुझे बिठा कर गाड़ी बैल पर, गाड़ी बैल भी रख तो उधर उधर पहुंचा देना, तो पहुंचा। तो ऐसा आयात निर्यात करने वाला इसका धंधा था। और फिर अंग्रेजों की कृपा से ट्रेन चली भारत में, हिंदुस्तान में ट्रेन चली, तो इनका व्यापार बंद हो गया और इनके पास बैल गाय बैल रखते ना धंधा करने। तो पहाड़ों के किनारे जाकर कर बैठे, बरसों से बैठे सूखे खड़कों के ऊपर, पानी भी नहीं मिलता। तो जब तांडा बोलते थे उसको कि आज लदेगा कल कहीं चला जाए, दो दिन दस दिन यहां मुकाम रहेगा फिर टांडा लग के चला जाएगा उसको, तो अभी तो वो टांडा नहीं लग रहा है। लेकिन ये भजन में आध्यात्मिक है, ये शरीर रूपी टांडा, इसको कहा कि हरी हरी बोल टांडो थारो लग। एक दिन ये शरीर रूपी टांडा
जड़ता न लागे मार रहे। इसलिए कहा कवि ने पद में बन जा रही है हरी हरी हो नानो दारु लग जाती बन जा रही है Thank you.
तेरी गति अपार, जिन लाद्या हरि नाम को सो जन उतरे पार। बालक में अब पहले जो भरा होगा तो भरा होगा, लेकिन अब जो है उसमें हरि नाम भर लो और व्यापार करो। मैं बनजारा हरि नाम का लादू बनज व्यापार, साहिब करे बनज व्यापार, बिन दाने बिन पावड़े तोले जग संसार। जिन लाद्या हरि नाम को अब उस बालक में हरि नाम भर ले, और वो लाखा नाम के बनजारे में बड़ा लखपति आदमी उस समय लाखा सेठ, उसको लाखा बनजारा कर राजस्थान की मरुभर भूमि में एक बार बालकों में नमक भर के वो पोखरण घर की तरफ जा रहा है। मिश्री भर पर मिश्री बालकों में मिश्री यानी खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर भर के लाखा से मोकनगढ़ की ओर गए, और उसके सीमा के ऊपर बाबा रामदेव जी महाराज मिले। एक घोड़े को लिए खड़े हैं, राजकुमार है छोटी उम्र में, बंजारे को देखकर आवाज, बताऊं थोड़ा इसका मतलब आज मजबूत नाश्ता करके आ गए हो। दिन जा रहा रे पिरारे पट्टी में सुहायो रे, और बालगड़ी में काई रे माल ल्यायो टियो। आपको वेदांत का ज्ञान कहूं तो सब सो जाओगे, इसलिए सरल ठीक है, वेदांत की बात कहूंगा तो सो जाओगे। ये भी वेदांत है, ये सरल वेदांत। बाबा ने पूछा, अरे भाई बिरजारा विरार काई माल है, क्या लाया? उसने बहुत होशियार आदमी था, धंधा करने वाला आदमी, उसने सोचा कि अगर मैं सच बोल देता हूं कि इसमें मिश्री भरी है तो टैक्स मांगेगा राजकुमार लगता है, इसलिए ऐसी चीज बोलो जिसका टैक्स न लगे। नमक का उस समय टैक्स नहीं लगता, धीरे से आज सामरिया सुनून भरे लायो मारा बाप जी, ओ सामरिया सुनून भरे लायो मारा बाप जी, आप राते माई आयो जी, सामरिया सुनून भरे लायो मारा बाप, आप राते माई आयो जी, सामरिया से पास में गांव है उससे नमक भरा और नमक का व्यापार करता हूं अंदाता, दूसरा कुछ नहीं। भगवान हंसे और धीरे से कहते कि देख भाई लाखा से जैसी तेरी भावना, नमक का व्यापार तो तू इतना बड़ा आदमी नहीं करता, लेकिन अब कह रहा है नमक तो ठीक है, जेडी थारी भावना वेड़ो फल पावे, करनीरा पाछे पछतावे, और करनी के बाद पछताने वाले को बुद्धिमान नहीं कहते, बुद्धिमान तो वो है जो करे ही नहीं। चित्रकूट में भरत जी जब गए हैं, भील कौल की रात भागे, और उन्होंने भगवान को सूचना दी, प्रभु
एक चतुरंगी सेना को साथ लेके अयोध्या से कोई राजा आ रहा है। भगवान राम जी ने सोचा कि चतुरंगी सेना साथ लेकर भरत आ रहा है, राजा तो कोई दूसरा है नहीं, अब भरत है तो भरत आ रहा है, इसका मतलब भरत क्यों आ रहा है। भगवान राम बौरी सोच बस भैसी राम, बहुरी सोच बस भैसी राम, कारण कवन भरत आगमन, कारण कवन भरत आगमन। सोच में पड़ गए भगवान कि भरत आए कोई मना नहीं, मेरे दर्शन को आए तो कोई मना नहीं, लेकिन सेना क्यों ला रहा है। भगवान भी सोच में, लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी आकर खड़े रहे कि प्रभु आपकी चरणों की सौगंध है, मैं आज दिखा दूंगा ये सुमित्रानंदन नहीं, ये रघुनंदन का दास नहीं, भरत को रणांगण में नहीं बिछा दू, मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान राम जी कहते कि लखन इतने आवेश में नहीं आए, बिना कारण को जाने अभी हमें क्या पता कि भरत क्यों आ रहा है, तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, अरे सौगंध है आपके चरणों की, भरत को सेना सहित बिछा दू, परंतु क्यों। राम जी कहते कि लखन क्या मतलब। लक्ष्मण जी कहते कि सीधा मतलब है, उसकी मां को सिखाकर उसने राज्य छीन लिया और अब उसकी मां ने भड़काया हुआ कि जंगल में दोनों भाई ये दोनों को मार डाल, फिर निष्कंटक राज्य तेरा ही हो जाएगा, 14 साल बाद भी कोई मांगेगा नहीं, बस यही सीधा कारण है, इसलिए आज मैं सुमित्रानंदन नहीं। भगवान मौन हो गए, लक्ष्मण शांत। उतने में आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी नहीं होगी तो लक्ष्मण अनर्थ कर देगा। जग भाई मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल पठानी, लखन बाहुबल विपुल पठानी, लखन बाहुबल। आकाशवाणी हुई, हे सुमित्रानंदन मेरी तरफ देखो, आकाशवाणी हुई है हे सुमित्रानंदन, लक्ष्मण जी निश्चित ही तुम भरत को क्या धरती को उलट पुलट कर सकते हो, आकाशवाणी हुई है हे लक्ष्मण, धरती को उलट पुलट कर सकते, भरत को मारना मामूलूगा। जग भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बतानी, परंतु दूसरा शब्द आया आकाशवाणी में, सहबाकर पाछे कर बैठता है उसको बाद में पछताना पड़ता है, और वो बुद्धिमान का निर्णय नहीं, कह ही वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही, इसलिए दिन बितारे जो करे करके वो पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में हो तो सके। आकाशवाणी हुई, भगवान राम जी ने इशारा किया कि लक्ष्मण सुना तुमने, लक्ष्मण ने नीचे नजर झुका ली, सुना लक्ष्मण बिना सोचे जो करता है उसको पछताना पड़ता है, जगत में हंसी थोड़ा सा देख लो कि भरत किस लिए आ गया, उतनी देर में तो भरत जी आ गए और भरत जी लेट गए दंडवत,
प्राहिमाम प्राहिमाम प्राहिमाम, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा। लक्ष्मण जी ने देखा उससे आंसू उड़ गए। जो भरत किस लिए आया और मैं क्या सजाने लगा। राम और भरत का मिलाप होता है, प्रसिद्ध मिलाप जगत का, राम भरत का। एक आत्मा परमात्मा का मिलन है, एक भक्त भगवान का मिलन है, संसार के सर्वश्रेष्ठ बंधुत्व का मिलन है। और फिर जीवन भर लक्ष्मण के मन से वो बात नहीं है। इसलिए मैं कह दिया ये प्रसंग कि लाठा सेठ ने बाबा के साथ झूठ बोल, भगवान हंसते हुए बोले कि जेडी सारी भावना ठीक करनी रे, पांचे पछताओ जाओ। पर बालक लिए है लाखा बन जा रहा है, चला पोखरण में पहुंचा। कथा ऐसी आती है कि वहां रोटियां बनाने लगे, रोटियां बनाने लगे, उसमें मिश्री डाली, शक्कर डाली, चूरमो बनायो जथे जीमवान बैठा, चूरमा बनाया, जीमने के लिए बैठा, खारा खारा ला, खारा खारा चला। नमक की बालक को नहीं खुल गई, चलो दूसरी से लेके। एक बालद खोली बिरा, दोए बालद खोली लून भरो बालद माए, एक को खोली, दूसरे तीसरे नमक किया, नमक किया, नमक। एक बालद खोली रे बिरा, दोए बालद खोली लून भरो रे बालद माई, कमा 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 रे तुमरे हसमा, लून भरो रे बालद माई, सेठ जी खाली करो। बोले नहीं, मेरा किस्मत फूट गया है, मेरा भाग फूट गया, लूट गया मैं, फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने कहा कि हुआ क्या। बोले सब नमक बन गए। बोले नमक बन गया, नमक भर के ले आया भूल में। बोले नहीं, नमक बन गया। नमक कैसे बन गया, रणु चेरी गेल मिलियो लीले घोड़े वाल। रामदेव रे की गेल रस्ते पर एक मिला युवक, रणु चेरी गेल मिलियो लीले घोड़े वालो, पूछियो तो लून बताया। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या भरा है, मैंने कहा कि नमक भरा है, बस इतना ही गुना हुआ। वो कौन था क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन ये करामत उसी की। परम पुरुष दिव्यम सदगुरु के सामने, शक्ति संपन्न विभूति के सामने ये सब खिलवाड़ है। सुनते कि हमारे गजानन बाबा नग्न रहा करते थे, एक दिन जनाने के दिन में बैठ गए। गजानन बाबा छेगा, एक दिन जनाने के दिन में बैठ गए, टीटी आया, उतरो उतरो उतरो, बोला नहीं होता। किसी ने कहा कि पागल जैसा है बेचारा, एक काम करो उसको कपड़ा लपेट लो। वैसा आता है कथा में कि कपड़ा लेके आए और लपेटने लगे, कपड़ा अधूरा पर, और बड़ा लेके आए, और बड़ा लेके आए, कपड़ा अधूरा ही पर। जब कान ऊंचे हो गए कि ये कोई
अद्भुत विभूति है ये साधारण व्यक्ति, शक्ति संपन्न। सेठ जी जान गए कि हाँ कभी कभार ऐसा महिमा हमारे बाबा रामदेव उनकी महिमा हो, शायद उससे इसकी मुलाकात हो। सेठ जी ने कहा कि अरे मत रो, मैं एक बताता हूं तरीका, दौड़ अलवाए पैर पांव में बिना कुछ डाले और पगड़ी नीचे उतार के रामदेव रे जा, महाराज के रावण में जा, महल में जा और उनके सामने प्रणाम कर, उनसे क्षमा याचना मांग, तुझे क्षमा कर देंगे। वो भगवान का अवतार। पाव अजवानो बीरा माता मून लोरे दोड़ा दोड़ा रहनू के जावे रे करे हुए, मां मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा करो, माफी बख्शो। मां ने कहा कि क्या हो गया? अरे भाई क्या हुआ? बोले आपका रामदेव, आपका बेटा भगवान, मैंने थोड़ी सी गलती की, बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ी। कथा ऐसी आती है कि मां ने आवाज लगाया, ये बनी जा रो बेटा रोवता रे आयो, ये बनी जा रो बेटा रोवता रे आयो, इन रो रे काई माल आयो जियो, ये बनी जा रो बेटा रोवता रे आयो, इन रो काई माल आयो जियो, ये रोता हुआ आया बंजारा, इसका क्या गुनाह कर दिया, क्या माल लेके आया? और जब बाबा हाजिर हुए, बाबा ने कहा कि नहीं मां, मैं इसका कुछ नहीं ला। क्यों भाई? चरणों में पड़ गए, लेटने लगा, दंडवत प्रणाम करता है। लाखा सेठ कहता कि अन्नदाता, मैंने करने की बहुत बड़ी सजा पाई, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं सारा लूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, आज से मैं आपका दास बन गया, आज से मैं आपका भगत बन गया, मेरी आने वाली पीढ़ी तुम्हें कुलदेवता करके मानेंगी, मुझे माफ करो। और बन जाने ने कहा कि मैं आपका मंदिर बनाऊंगा, मैं आज से आपका दास हो गया, शिष्य हो गया। भगवान ने माफी की है। जा रे बन जा रा थारी मिसरी होवे लीरे, अब के झूठ मत बोलो रे, जा रे बन जा रा थारी मिसरी होवे लीरे, अब के झूठ मत हरी तारणी लाखा बन जाना मोनिया रे, हरी
चिरानंद भगवान। भक्ति तब से समाज बाबा रामदेव जी को मानने लगा और अनन्य महिमा भगवान श्री रामदेव जी की। पुनः हम लोग अपने सूत्र पर चर्चा कर रहे थे, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब बहुत कम समय है, उसमें मैं स्वार्थ में आपको इसका थोड़ी सी इस पर चर्चा। वेद प्रकाशा, गुरु जब कोई भी नाम ईश्वर दत्त करके देता है कि ईश्वर का नाम है, वो नाम प्रथम जीव से जपा जाता है। भगवत नाम प्रथम जीव से जपा जाता है और जीव से जपते 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 वो नाम कंठ में उतर जाता है, फिर वो नाम हृदय में उतर जाता है और वो नाम हृदय में जाने के बाद उसको अजप्पा जाप कहते हैं। फिर अजप्पा जाप, ऐसा अजप्पा जाप सुना है कि एक बार संत तुकाराम महाराज संडास के लिए गए, लेटरिंग के लिए गए। लेटरिंग के लिए बैठे और विठ्ठल 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 लेटरिंग के लिए बैठे विठ्ठल विठ्ठल। किसी एक आदमी ने सुन लिया, उन्होंने देखा कि बहाने दो महाराज कैसा सुनाता हूं, वो जगह क्या विठ्ठल नाम जपने की। और जब आए तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आपको भी कहना पड़ेगा, इतने बड़े ज्ञानी आदमी संदास के लिए बैठे और विठ्ठल विठ्ठल कर रहे। महाराज ने कहा कि मेरा कोई इलाज नहीं है, इंद्रिया सकला पड़ले वड़न। क्या हो गया है, इंद्रियों को आदत पड़ गई, मुझे पता भी नहीं रहता और नाम चालू रहता। इंद्रिया सकला पड़ले वड़न, इसका नाम अजप्पा जाप, अपने आप स्वतः। एक बार अर्जुन सोया है गौर निद्रा में, भगवान पहुंच गए, अर्जुन सोया है। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 ध्वनि अर्जुन के हृदय को स्पर्श करके देखा है, कान लगाया है अर्जुन के हृदय को, तो धड़क धड़क नहीं आवाज आ रही है, कृष्ण 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 आवाज। ये अजप्पा जाप, द्रौपदी ने केवल 3 बार कहा था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, बस। द्रौपदी ने कोई जप अनुष्ठान नहीं माना, टाइम ही नहीं। 3री बार में तो आ गए और बसन रूप भय श्याम साड़ी का रूप धारण कर लिया है, द्रौपदी की इज्जत बच गई। नाम को इतना आत्मसात किया जाए, भक्ति माने प्रेम, भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। हम बात बात में कहते कि वो तो उसका बड़ा भक्त बन गया, वो तो उसका बहुत बड़ा प्रेमी बन गया, वो तो उसका प्रेमी है, वो तो उसका भगत है, भगत बन गया। भक्त भक्ति माने प्रेम, और प्रेम मजबूत चीज है। भगवान से प्रेम किया जाए, भगवान से प्रेम करना मुश्किल भी है और उतना सरल भी है। तुकाम हने आए सोपे सर्वाह, नहीं तो बहुत कठिन, नहीं तो बहुत सोपा। मैं ये कहूंगा कि मन को जिस चिंतन में लगाओगे, मन उसका आदि बन जाएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी मन को। इसलिए मन को ब्रह्मानंद जी ने कहा, जो मन माया माया रटे नित, सो मन पड़े माया के कूपा, माया के खड्डे में कुएं में गिर जाओ। माया माया माया, जो मन माया माया रटे नित, सो मन पड़े माया के कूपा, जो मन निस दिन नारी निहारत, सो मन हो यही नारी स्वरूपा, जो मन निस दिन ब्रह्म विचारत, सो मन हो यही ब्र।
ब्रह्म स्वरूपा सोमन हो यही ब्रह्म स्वरूपा। जो मन माया माया रटे माया के खड्डे में गिर जाते, जैसा चिंतन वैसा मनुष्य का निर्माण हो जाता, जैसा उसका चिंतन वैसी धारणा बन जाती है और मनुष्य उसमें रूपांतरित हो। इसलिए मैंने आपको कल भी कहा कि अपने आप को कभी कोसना नहीं कि मैं पापी हूं, मैं चांडाल हूं, मैं भिखारी हूं, मैं दीनी, कभी नहीं। मैं जो हूं तो हूं, लेकिन हूं। ठीक है, कुछ गलतियां कुछ गलत काम हो गए, आज से सावधान रहूंगा, अब मैं भगवान का बन गया। जिन लोगों ने मालाएं ले ली है, माला ले ली है, जिनके पास माला पहले से ही है, किसी संत से जुड़े हैं, किसी आश्रम से जुड़े हैं, रोज जब ध्यान करो। और नहीं लेने वाले शुरुआत करो, मौका नहीं मिलेगा, जीवन मौका नहीं देगा। जितना जप लिया जाए, गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन जपिया तिन को बलिहार, तिन के पीछे चले संसार, जिन जपिया तिन को बलिहार। नानक देव जी महाराज कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, जिस दिन नानक जो भजे सफल होए सबका। ऐसा नाम तो क्या बात कह रहा था, अभी अभी कह रहा था ना, पंचम भजन वेद प्रकाश। तो वो जो भजन है, वो जो नाम है, गुरु ने दिया, देते से जीभ से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे हृदय में आ गया, फिर अजपा जाप बन गया, फिर अपने आप जाप चलने लगा। और दुर्मति हरण, मैं कभी कभी मीराबाई की कथा में एक बात कहता हूं कि मीराबाई जब भक्ति में लगी, महल में ही रहती थी, और गांव का एक लड़का हरिजन मैत्र समाज का झाड़ू लगाने के लिए राजदरबार में आया। राजदरबार में आया, लड़का जवान था, युवक था, तरुण था, झाड़ू लगाने के लिए आया और उसकी नजर मीरा के ऊपर गिर गई। मीरा शरीर से बहुत सुंदर थी। महापुरुष तो कहते हैं कि जो भक्ति में रंग डावे उसका तो हर क्षण सुंदर हो, वो कुरूप भी होवे तो दिखने वाले को सुंदर दिखेगा, क्योंकि उसका जीवन सुंदर। फिर मीरा, मीरा अद्भुत, मीरा नाम लेते ही भक्तों की दुनिया में एक रस उत्पन्न हो। मीरा, गुरु महाराज, उस युवक ने मीरा को देख लिया, उसके मन में गलत विचार आ गया कि मैं मीरा से शादी करूं। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, बड़ी मुश्किल बात। जाति का सवाल नहीं है, लेकिन गरीबी, इतना गरीब आदमी ऐसी सोच ले, गया है घर, कुछ बोलता नहीं है, उसको मालूम है परिणाम क्या होगा, खाना पीना बंद कर दिया है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, माँ बाप परेशान हो गए, अरे बेटा तुझे हुआ क्या, बोले कुछ नहीं, कुछ तो बता, बोले कुछ नहीं, बताने जैसा नहीं है। अरे बिना बताए उसकी समस्या कैसे हल होगी, बताना तो पड़ेगा क्या है, बोले बताऊंगा तो तुम सब घबरा जाओगे। अरे बेटा जो भी होगा भोगेंगे, लेकिन बता दो सही, बोले वो राणा रतन सिंह ऐसा कुछ नाम था, चाहिए रतन सिंह जी का, तो उनकी राजा साहब की जो कन्या है मीरा नाम की,
उसके साथ विवाह करने की मेरी इच्छा है। माँ बाप के हौसले उड़ गए कि अब जिंदगी खत्म हो गई, अब पूरे परिवार का जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अगर ये बात पड़ोस में पहुंच जावे तो तुरंत दरबार में पहुंचेगी और बिना फांसी के सजा, दूसरा कोई इस बात का जवाब नहीं देगा। अरे तूने ऐसा सोच कैसे लिया? बोले मैं विवश हूं। तू परिणाम नहीं जानता है? बोले जानता हूं। क्या परिणाम है? बोले फांसी लगेगी। फिर भी ये विचार निकालेगा नहीं दिमाग से? बोले निकलता ही नहीं दिमाग से, कैसे? ठीक, भोगेंगे जो होगा, लेकिन बस अब किसी को मत कहना। माँ बाप ने कहा तो बात क्या छुपती है, लड़का कोई खाता पीता नहीं है, उसके सोच में रहता है, चिंता में लगा है, ये कैसे संभव हो सकता है? बात पहुंच गई दरबार में, बात दरबार में पहुंची, दरबार में खलबली मच गई। धीरे धीरे लोगों की आशा मीरा पर टिकी है कि बात जब मीरा के कान पर पड़ेगी, वो तो महान भक्त है, तो वो उसके कान पर बात पड़ते ही वो बोलेगी कि फांसी लगा रहो। इस तरह का सोच करता है, यूं लोगों की मान्यता। और महाराज धीरे धीरे बात मीरा के कान तक पहुंची। जो ही मीरा के कान तक बात पहुंची, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बड़ी बात है, जब मुझसे शादी करने की इच्छा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लाओ मैं उससे बात करूंगी। रनिवास के लोग भयभीत हो गए,